हेलो जी, वेलकम बैक, अहलन वसहलन, मरहबा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपको लेके आया हूँ मित्सुबिशी मोटर्स पे। यहाँ की टॉप ऑफ द लाइन जो कार है वो आपको, उसका रिव्यू दिखाऊंगा आपको, ओवरऑल शोरूम का व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को, कौन कौन सी गाड़ियाँ पे अवेलेबल हैं, और यहाँ से अगर आपने गाड़ी परचेज़ करनी है उसका क्या तरीकाकार है, वो सब आप लोगों के इस वीडियो में दिखेगा। मैनेजर से मैंने यहाँ पे परमिशन ले ली है, फिर हम रिपेयर कर सकते हैं वीडियो, बट कस्टमर्स वगैरह यहाँ पे हैं, उसने कहा है कि कस्टमर वगैरह को अवॉइड करना पड़े, तो हम शुरू करते हैं। अब मैं पहले ओवरऑल वीडियोज़ दिखाता हूँ। उसने बोला है कि ये मोंटेरो टॉप ऑफ द लाइन उनकी कार है, इसको हम प्रॉपर खोल खुल के चेक करेंगे अंदर बाहर से। इसके अलावा बाकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन सबको मैं हल्का फुल्का आपको रिव्यू सब कर दूँगा। इस बार हम लोग इस पे आएंगे, इसका हम लोग प्रॉपर रिव्यू करेंगे।
सो ये था जी हमारा मित्सुबिशी का टूर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को गाड़ियाँ कुछ दिखाई हैं, यहाँ की जो यहाँ पे खड़ी हैं, इनके पास अवेलेबल हैं खड़ी हैं गाड़ियाँ। और यहाँ पे अगर आपने गाड़ी लेनी है उसका प्रोसीजर कुछ ये है कि दो बैंक्स को मैंने पता किया, मैंने ऑलरेडी बैंक से उठाई हुई अपनी जो गाड़ी है वो मैंने लीजिंग पे ली, और राजीव बैंक से, राजीव बैंक का मुझे आइडिया था। फिर मैंने एक जनरल सऊदी फ्रांसिस बैंक गया हूँ तो उसने बोला जनरली बैंक है वो किसी भी बैंक में आपकी सैलरी आ रही है वो कोई मसला नहीं है, ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी बैंक से उठा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपका ना वो प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे। तो सऊदी फ्रांसीसी अगर आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, मैंने जो पता किया है वो मैंने सऊदी फ्रांसीसी बैंक से पता किया है, तो उन्होंने कहा है कोई मसला नहीं है, किसी भी बैंक में आपकी सैलरी आ रही हो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोगों का तीन चार चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट उस बैंक का, दूसरा उसने बोला इकामा लाइसेंस, तीसरा पासपोर्ट भी उसने बोला, और चौथा तारीफ़ रातिब। तारीफ़ रातिब का मतलब ये होगा कि आपकी कंपनी से आपको एक लेटर अवेलेबल करेंगी कंपनी आपकी, जब आप उनको बोलेंगे मुझे तारीफ़ रातिब चाहिए, वो कंपनी आपको एक लेटर अवेलेबल करेगी जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी सैलरी और आपकी पोजीशन, सैलरी की आपकी करंट पोजीशन जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो करंट पोजीशन लिखी होगी, सारी डिटेल लिखी होगी, वो लाके इनको प्रोवाइड कर देनी, और आइदर व्हाट्सएप कर दो या फिर वैसे प्रोवाइड कर दो तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर गाड़ी सिटी में है, आपको कलर्स का इशू नहीं है, कोई भी कलर आपको चलेगा, तो सिटी में है या फिर आपको कलर का इशू है, और अगर वो कलर अवेलेबल है रियाज सिटी में अवेलेबल है, तो आपको 3 दिन 3 वर्किंग डेज में आपको गाड़ी मिल जाएगी। और अगर वो कलर अवेलेबल नहीं है या वो गाड़ी अवेलेबल नहीं है रियाद में, तो आपको 7 वर्किंग डेज वेट करना पड़ेगा। अल राजी बैंक का मैंने पता किया, अल राजी बैंक में आपको ट्रांसफ़र का कोई मसला नहीं है, अगर आप किसी और बैंक में तो जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा आपको। अगर आपका राजी बैंक में अकाउंट है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने भी राजी बैंक से उठाई हुई है। 4 साल 3 साल आपकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी ईयर्स की किस्तों पर आप इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी उठा सकते हो। उसके अलावा इनको रिक्वायरमेंट क्या है, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइसेंस, इकामा, अगर राजीव बैंक में आपकी सैलरी है तो 1 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, तारीफ़ रातिब, ये 4 चीज़ें, लाइसेंस, इकामा, तारीफ़ रातिब और 3 मंथ का, 1 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ये इनको रिक्वायरमेंट है। और डिपेंड करता है, बाकी चीज़ें डिपेंड करती है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह ये डिपेंड करती हैं आपके गाड़ी की वर्थ के ऊपर, कितनी की आप गाड़ी उठा रहे हो, दोनों बैंक्स में ये सेम है। तो ये थी बैंक्स की इंफॉर्मेशन, बाकी गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन आपने देखी, ये बताएं कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसी लगी वीडियो। और मैंने नेक्स्ट वीक के लिए ऑलरेडी बुकिंग करवा ली हुई है लेक्सस में, हम लेक्सस में जाएंगे, जो उनकी टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, हम उसका रिव्यू करेंगे और आपको उसका रिव्यू दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।